हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का की टू सक्सेस जेके चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक स्टडी पर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत से स्टूडेंट परेशान हो गए हैं और कमेंट तो नहीं किए, बट लॉकडाउन में घर चले गए हैं। कुछ लड़के यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, कुछ लड़के अभी हैं यहाँ पे, तो कुछ लड़के बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, सबका आपको पता है कि काम धाम सबका ठप है, सबके पेरेंट्स लोगों का, तो अब जो है इनकम का स्रोत जो है नहीं हो पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं चाहूँ तो नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि आप ही लोग के ग्रुप का है, हिमांशु तिवारी हैं और एक दो लड़के और भी हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि सर बताइए, तो कोई हमको इनकम का जरिया बता दीजिए, अगर आप प्रयागराज में हैं तो इनकम का कोई जरिया बता दीजिए तो हम लोग कुछ करके अपना चलाए काम। फिर चूँकि रूम वगैरह छोड़ दिए, तो मैं भी जो है ट्राई कर ही रहा था और मैं लगभग 10-15 दिन से मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, अपस्टॉक का नाम सुने होंगे आप, तो उसको मैं यूज़ कर रहा था और मैंने डीमैट अकाउंट उसका ओपन किया और मैं अपने घर वालों का, 2-3 लोगों का और फिर अपने फ्रेंड सर्किल में 2-3 लोगों का मैंने किया। तो मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ उससे मैंने कैसे कैसे इनकम पाया। अभी तो मैं आपको बता दूँ कि उस समय 500 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग में था, मतलब रिफर एंड अर्न वाला सिस्टम है ये। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अभी तक जो है ऐसा कोई ऐप नहीं है जो इतना ज़्यादा पैसा दे रहा हो आपको रिफर एंड अर्न पे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उस पर जो है इनकम भी किया। अभी मैं आपको पूरा प्रूफ भी दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी अगर चाहे तो ये काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा दूँ कि आप अगर चाहें तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अभी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप डीमैट अकाउंट को ओपन करें। डीमैट अकाउंट होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए कई वीडियो यूट्यूब पर पड़ेगा, आप चाहे तो देख ले, चूंकि हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिमांड अकाउंट क्या होता है कि कोई ट्रेडिंग के लिए होता है, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, बट अगर आप चाहे तो आप इसे कुछ मत करिएगा, केवल आप डिमांड अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद क्या है ट्रेडिंग वगैरह कुछ मत कीजिएगा। रिफंड एंड अर्न, जैसे ही आपका 2-3 दिन बीतेगा कि ये जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता दूं, जब मैं ये सब कर रहा था तो उस समय 500 रुपये था, बीच में फिर 300 रुपये कर दिया था स्टॉक ने, फिर जो है 10 दिन के बाद जो है ये 600 रुपये कर दिया, पर अभी 2 दिन बाद मैंने, 2 दिन पहले मैंने चेक किया, अभी इसमें 1000 रुपये होता है। तो स्टूडेंट, 1000 रुपये बहुत कम नहीं होता है और 1000 में तो आप लोग पार्टी वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं वो अर्न कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर दिन भर में अगर 4-5 भी अगर अकाउंट ओपन कर रहे, चाहे अपने फ्रेंड सर्किल में चाहे रिलेशन में, तो उस हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये पर डे का अगर आप हो जाता तो वो कम नहीं है मेरे ख्याल से इस बेरोजगारी के दौर में और लॉकडाउन के दौरान। तो आइए मैं अपनी पूरी अर्निंग का वो प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ मेरा अर्निंग जो है इसमें 13,000 रुपये हो चुका है और मैंने विड्रा 10,000 कर लिया है, अभी 3,000 बाकी है, विड्रावल है। स्टूडेंट्स में दो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपको सैटरडे और संडे आप विड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है ना कि 5,000 से अधिकतम आप जो है विड्रा नहीं कर सकते एक दिन में, मतलब एक दिन में अगर आप चाहेंगे विड्रा करने के लिए अपने अकाउंट में, या फिर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट से बाहर विड्रा कर लें, तो एक दिन में कम से कम 5,000 रुपये ही निकाल सकते हो, उससे अधिक नहीं। और दूसरी बात कि सैटरडे संडे को आप विड्रा नहीं कर सकते, ये दो थोड़ी सी इसका डिसएडवांटेज हमें लगा, बट इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाया 13,000 रुपये है और 10,000 रुपये मैं विड्रा कर चुका हूँ, 3,000 रुपये और बाकी है अभी विड्रॉएबल, मतलब कि अब मैं उसको अगले दिन विड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ इनवाइट फ्रेंड्स पे मैंने आया व्हाट्सएप के थ्रू चाहे SMS के थ्रू, जैसे भी आप रिफंड फ्रेंड वाया करेंगे तो आपको मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे देखिएगा 1,000 रुपीज लिखा है ना, शेयर अ बेटर वे ऑफ ट्रेडिंग एंड अर्न 1,000 रुपीज ऑन एवरी सक्सेसफुल रेफरल, यानी कि कोई भी सक्सेसफुल आप रेफरल हो जाता है, मतलब कि सक्सेसफुल रेफरल का मतलब कि कोई भी आपके लिंक से वो इंस्टॉल करता है तो और अकाउंट ओपन कर लेता है तो फिर आपको 1,000 रुपये मिलेगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे से आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है। प्रथम 10 ऐसे कैंडिडेट को मैं उनका जो जैसे कि 500 रुपये, 1,000 है ना, तो मैं 500 रुपये उनको मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो आप क्या कीजिएगा कि वो लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा पता ही है 8799004717, इस पे व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर देंगे सर मैंने इंस्टॉल किया, और उसी नंबर से मुझे पता भी चलेगा, क्योंकि आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो है सब चीज़ें हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन। तो मैं उस कंडीशन में आपको
चाहे फोन पे चाहे पेटीएम चाहे जैसा भी आप कहेंगे उस हिसाब से मैं 500-500 रुपए करके आपको दे दूंगा प्रथम 10 लोगों को, ठीक है, यानी कि मैं 5,000 रुपए आपको देने वाला हूँ, क्लियर। तो अगला है देखिएगा, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं क्या क्या होगा। पहला मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, क्लियर, ईमेल आईडी, तीसरा है पैन कार्ड और चौथा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंने जैसा कि बताया कि आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए क्योंकि ओटीपी वगैरह इसी पाएगा, क्लियर। तो पहला क्या हो गया मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा पैन कार्ड, चौथा क्या आधार कार्ड, और पांचवा मतलब वही आधार कार्ड क्या होना चाहिए मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अगला देखते हैं, इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जब पहला विंडो आपको खुल के आएगा अपस्टॉक का तो ये लिखा रहेगा ना इन्वेस्टमेंट मेड इजियर फॉर एवरीवन, तो नीचे लिखा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करो, देखो नीचे लिखा है ना, तब तो आपके लिए दो चीज चाहिए, आपका ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चाहिए, क्लियर, जिस पे आपका ओटीपी वगैरह आएगा। उसके बाद सेंड ओटीपी और ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे, लेट्स स्टार्ट बाय फिलिंग योर पैन कार्ड डिटेल। आगे आप पैन कार्ड डिटेल करेंगे मतलब कि आपको पैन कार्ड नंबर और उस पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा ना वो दोनों चीज आप इंटर करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे नीचे आपका यह है ना नेक्स्ट बटन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगला जैसे देखिएगा वो आधा जो पैन कार्ड होगा ना पैन कार्ड पे आपका जो नाम होगा वो अपने आप ले लेगा, तो नीचे लिखा है व्हाट इज योर जेंडर, तो आप जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लिखा है व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है कि अनमैरिड है या अदर है, तो आप जैसा भी होंगे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे व्हाट इज योर एनुअल इनकम, आपका सालाना जो इनकम है वो कितना है, तो ऐसे मुझे भी पता है कि अगर आप अपस्टॉक यूज कर रहे हैं उससे आप अर्न करना चाहते हैं निश्चित रूप से 1,00,000 से बिलो ही होगा, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा बिलो 1,00,000 और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे वो पर्सनल डिटेल है व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो अभी कोई आपका एक्सपीरियंस तो है नहीं तो लेस देन 1 ईयर करिएगा, ठीक है। और आगे आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, तो आप इसको नो करिएगा। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, प्राइवेट सेक्टर, तो इसको जो भी होगा आपका ऑक्यूपेशन दे दीजिएगा। और नीचे आपका ये फादर नेम बहुत कंपलसरी है, योर फादर्स नेम एज पर योर पैन कार्ड, जैसा कि आपके पैन कार्ड पे नंबर है फादर का नेम है वैसा आप इस पर एंट्री करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कंग्रेचुलेशंस करके आया है यानी कि जो नाम देगा वो दिस इज योर चांस टू विन ए फ्री स्टॉक, ठीक है। आगे फिर क्या करेंगे, यस आई वांट ए फ्री स्टॉक, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे और डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, आप यहां से डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर जैसा भी होगा आप यहां पे करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा है ना, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे क्या कहेगा, डिजी लॉकर के लिए वो बोलेगा, तो कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अपस्टॉक्स, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहां पर क्या होगा, आधार कार्ड नंबर आप यहां पर देखकर डिजी लॉकर को आप ओपन करेंगे और जैसे आप आधार कार्ड नंबर देंगे यहां पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा अपस्टॉक डिजी लॉकर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां पे कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद अपलोड योर पैन, अब पैन कार्ड यहां पर जो है आपको कैप्चर करेंगे आप अपने जो अपस्टॉक है वो ऐसा देगा प्रोसेस कि मोबाइल उसका जो कैमरा है कैमरे के माध्यम से पैन कार्ड आप उसका आप कैप्चर हो जाएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो अगला है आप नेक्स्ट वी विल आस्क फॉर कैमरा एक्सेस फॉर योर एप्लीकेशन। अब ये क्या है कि कैमरा से आपका एप्लीकेशन वो यूज करेगा और ये फोटो आपका एक लेगा, और याद रखिएगा आपका फोटो जो है ना वो ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होगा, नहीं तो आपका जो है जो आपका पैसा मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंटर योर बैंक डिटेल्स, अब आपका जो बैंक डिटेल होगा वो आपको डिटेल में डालना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर नेम, आपका नेम क्या होगा, आईएफएससी कोड क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर क्या होगा, और बैंक अकाउंट री इंटर करेंगे, और अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है करंट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका फोन पे, ठीक है, पेटीएम या फिर गूगल पे वगैरह का जो आपका अकाउंट होता है ना वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कोई फिजिकल अकाउंट होना चाहिए, जैसे आपका SBI हो गया, ठीक है, BOB हो गया और ऐसा और भी है ना, PNB वगैरह हो गया, तो इस तरीके का बैंक का डिटेल आपको चाहिए, और ये नहीं कि आप फोन पे और पेटीएम और ये सब चीजें एंट्री करें, ऐसा नहीं लेता है वो, ठीक है। आगे ये सब एंट्री करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लिखा है लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर, साइन अप फॉर फ्री, ठीक है, तो फ्री में आपका अकाउंट ओपनिंग होगा। और यहाँ लिखा है डू यू हैव योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड, यानी कि क्या आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जस्ट ई साइन योर एप्लीकेशन टू स्टार्ट योर अपस्टॉक आधार ओटीपी, अब यहाँ पे आधार ओटीपी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो क्या करेगा, इंटर ओटीपी, ठीक है, जैसे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, अब यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे,
उसके बाद ये देखें सिंगिंग एक फॉर्म एप्लीकेशन इस प्रकार से आ जाएगा। इस पर कुछ करना नहीं, आपको डायरेक्ट साइन नाउ पर क्लिक करना होगा। अभी आप लिखा है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी कि आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, आगे लिखा है स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस, आपका जो अकाउंट ओपनिंग का जो होगा ना चीजें, तो आपका प्रोग्रेसिंग में है, वो आपका काम नहीं है। अब अकाउंट एक्टिवेशन का काम आपका नहीं है, लॉग इन डिटेल का काम नहीं, ये 2 से 3 दिन का आपको ये टाइम लेता है, उसके बाद आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ओपन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्टूडेंट देखिए क्या होता है ना कि 500 रुपये और 1000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं, मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि अभी तक ऐसा कोई एप्स नहीं है, जैसे आप गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह का यूज करते होंगे तो आपको 100 रुपये 125 रुपये ऐसा कुछ मिलता होगा, बट ये इस समय एक अकाउंट ओपनिंग पे एक रिफरल पे क्या कर रहा है 1000 रुपये दे रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप दिन भर 5, 7, 10 जैसा भी आप ओपन कर लेंगे तो ये होगा। तो मेरा कंडीशन आपको याद है ना, मुझसे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो स्टार्टिंग के जो 10 लोग होंगे, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे, अब स्टॉक को क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे, और जो अपना अकाउंट ओपनिंग है जो मैंने अभी प्रोसेस बताया उसके माध्यम से आप ओपन करेंगे, तो आपको जो पैसा आएगा मेरे पास, मैं आपको क्या करूंगा 5500 करके प्रत्येक लोग को मैं आपको चाहे तो फोन पे से चाहे पेटीएम से गूगल पे से जैसा आप कहेंगे वैसा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नए वीडियो। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये मैं टीटू सक्सेस जेके चैनल पे ये टॉपिक मेरा जो है मैं नहीं डालना चाहता हूं, बट कई स्टूडेंट ने जब फोन करके मुझसे बोला तो मैं इसलिए इस पे अपलोड कर दिया, क्योंकि इसी में सभी मेरे स्टूडेंट्स क्या है सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनके लिए है। अगर जो इनकम करना चाहते हैं पार्ट टाइम के लिए तो कर सकते हैं, क्लियर है। और मेरा अगला जो वीडियो होगा अपने टॉपिक से रिलेटेड होगा जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता जाऊँगा।